एटीएम की ये हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एटीएम को तोड़ने और उखाड़ने के लिए बदमाशों ने खासी मशक्कत की थी। एटीएम के कई पुर्जों को तोड़ डाला और तोर एटीएम बूथ के अंदर लगी लाइट और सीसीटीवी कैमरों को भी बदमाशों ने तोड़ दिया। बदमाशों ने एटीएम के उस हिस्से को तोड़ने की पूरी कोशिश की जहां पर एटीएम में कैश रखा जाता है, लेकिन वो नाकामयाब रहे। बदमाशों ने इस एटीएम को तोड़ने के लिए लगभग एक घंटे मशक्कत की और इसकी गवाही देती है सीसीटीवी की वो तस्वीरें जिनमें बदमाशों की करतूत कैद है। रात के करीब 2:30 बजे एक कार में सवार होकर बदमाश रनहोला इलाके के एसबीआई एटीएम पहुंचते हैं। पहले एक बदमाश कार से उतरकर एटीएम में जाकर उसकी रैकी करता है। इसके बाद वो वापस कार पर लौट आता है और इस बार वो अपने साथी के साथ एटीएम की ओर लौटता है। इस बार दोनों के चेहरे थके हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज उनका देखा तो पता चला कि वो 2:30 बजे के करीब एटीएम के अंदर घुसे थे और उन्होंने कम से कम एक घंटा एटीएम को तोड़ने में लगाया और जिससे वो कैश नहीं ले जा सके। उसके बाद 3:00 बजे कुछ जो लड़के ने एक घंटे बाद उनको देखा, उसके देखने के बाद आवाज़ देने के बाद वो वहाँ से निकल कर चले गए। एक बदमाश एटीएम के बाहर खड़ा होकर आसपास के माहौल पर निगरानी रखता है, जबकि दूसरा बदमाश एटीएम तोड़ने में जुट जाता है, लेकिन एक घंटे की मशक्कत के बाद भी उससे एटीएम नहीं टूटता। इस बीच एटीएम के पास रहने वाला एक शख्स बदमाशों को टोक देता है, जिसके बाद वो मौके से भाग जाते हैं। मेरे पास शाम को सुबह 3:28 पर मेरे किराएदार का फोन आया कि एटीएम के अंदर कुछ चोर घुसे हुए हैं। जब हम बाहर आए तो देखा कि दो लड़के जिनके मुंह बंधे हुए थे एटीएम से निकलकर भाग रहे थे। वहां से देखा कि वो उस कुछ दूरी पर एक ओला कैब खड़ी थी, उसमें बैठकर भाग गए। बैंक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की कार और दोनों बदमाशों की पहचान कर रही है।